हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में ना हम रिव्यू करने वाले हैं द मैन कंपनी का ट्रैंक्विल। आपने शायद से द मैन कंपनी के डीओस तो शायद से यूज़ किए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसे रंग बिरंगी छोटी छोटी बॉटल्स में आते हैं और एक डिसेंट प्राइस रेंज में भी मिल जाते हैं। बट आपने कभी उनके परफ्यूम्स ट्राई किए क्या? अगर किए तो आपका कौन सा फेवरेट है? मैं बता दूं, मेरे पास बहुत अच्छी बड़ी रेंज पड़ी हुई है द मैन कंपनी की, जिसके रिव्यूज जमाने से पेंडिंग है। ठीक है, तो मैंने बोला क्यों ना अगर मैन कंपनी के रिव्यूज चालू करते हैं परफ्यूम्स के, तो क्यों ना मेरा फेवरेट जो परफ्यूम है ना उनकी रेंज का एज ऑफ नाउ उसके साथ स्टार्ट करूं, जो कि आता है मैन कंपनी का ट्रैंक्विल। फ्रेंकली बताओ, अगर आपको जस्ट स्टार्टिंग में ही मेरा ओपिनियन जानना है, तो यार ये वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस है फ्रॉम द मैन कंपनी। बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। ये लगाने की वजह से किसी का भी सर दर्द नहीं होगा। मतलब अगर आप ये लगा के जाते हो परफ्यूम, तो ऐसा कोई नहीं कहेगा यार तेरा परफ्यूम इतना स्ट्रांग है मेरा सर दुखने लगा इसकी वजह से। और आपको मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लीमेंटे मिलेंगे। और मैं इसको ऑलमोस्ट साल हो चुका है इसको यूज़ करते हुए, और आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट कितनी 40% एम्प्टी हो चुकी है बॉटल। ठीक है, तो यूज़ कर रहा था अच्छे से, अच्छा खासा टाइम हो चुका है इन्हें यूज़ करते हुए। और बात बता दूँ, फ्रेग्रेंस बहुत ही डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। वैसे तो बता दूँ कि मैं इसका बॉक्स ढूंढने का बहुत कोशिश किया, बट मुझे बॉक्स नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत टाइम हो चुका था इस परफ्यूम के लिए हुए। बट इसका बॉक्स भी बहुत प्रीमियम दिखता है, यही कलर का आता है, ब्राउन कलर के इसका बॉक्स रहता है, दिखने में अच्छा लगता है। मैं उसकी फ़ोटो डाल दूंगा, जिसके ऊपर बहुत ही ऐसा लग्जरी ब्रांड के कैसे एलवी के कैसे डिज़ाइंस रहते हैं, वैसे पैटर्न्स बने रहते हैं। सो कुछ वैसे ही बॉक्स दिखता है। ये 100 ml की बॉटल है, जो कि नॉर्मली ये लोग बेचते हैं 750 rupees में, बट आपको अमेजोन पे ये आराम से 350-300 के इन बिटवीन मिल जाएगी। सो उतना कुछ ऐसा डिफिकल्ट, ऐसा बहुत महंगा नहीं है। एक बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है 500 के अंदर जो आपको मिल सकती है अगर आप डील्स ढूंढोगे तो। ठीक है, सो बात करते हैं इसके ओवरऑल लुक के। तो लुक वाइज बता दूँ तो जो बॉटल का शेप है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा वाइल्ड स्टोन की याद दिलाता है। बट वाइल्ड स्टोन के जो परफ्यूम्स रहते हैं ना, वो थोड़े से कॉर्नर से ऐसा कर्व रहता है, उनमें ऐसा एजी नहीं रहते थे, प्रॉपर ऐसा स्क्वायर कट नहीं रहता है। जबकि मैन कंपनी के जो परफ्यूम्स की सारी बॉटल है ना, ऐसे प्रॉपर ऐसा शार्प एजेस वाली रहेगी। ठीक है, और इसका जो कलर है, कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा एकदम। ये थोड़ा सा बियर्डो की विस्की बर्बन रेंज जैसा कैसे रहता है, वैसा टाइप का इसकी ग्लास की बॉटल दी हुई है, एकदम फुल ब्राउन। उसके ऊपर गोल्डन कलर पे लिखा हुआ है ट्रैंक्विल, जो कि थोड़ा सा फोकस करने में इशू आ रहा है आज मेरे कैमरे को, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, कैप में भी द मैन कंपनी का लोगो डाला हुआ है, और इसका जो नोजल है, एटमाइजर है, वो भी गोल्डन कलर का है, और एक बहुत अच्छा स्प्रे देता है। अच्छा है, एटमाइजर अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प इसके जो एटमाइजर से स्प्रे आते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके फ्रेग्रेंस की। इसके टॉप नोट पे लेमन है, और मिडिल नोट पे लेवेंडर आता है, और बेस नोट पे आता है मस्क, जो कि जो तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन करके ना, एक बहुत प्यारा सा फ्रेग्रेंस, बहुत कामिंग फ्रेग्रेंस बनाता है, और बहुत सूदिंग लगा। बहुत ही ज़्यादा कैसे फ्रूटी है, फ्लोरल टाइप की है, बाद में फिर सिट्रसी है, एट द सेम टाइम पे थोड़ी वुडीनेस भी आ जाती है थैंक्स टू मस्क और लेवेंडर। दोनों का बहुत अच्छा प्रॉपर यूज़ किया गया है। और ये जो ऐसी फ्रेग्रेंस है ना, कि जो सेटल डाउन होने के बाद भी, टोन डाउन होने के बाद भी, बहुत प्यारा सा अपना इफेक्ट छोड़ती है। और बात करें ना इसकी प्रोजेक्शन की, तो वही डिसेंट प्रोजेक्शन मिल जाता है। ये ADP कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसका जो फ्रेग्रेंस का ऑयल है उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है इसमें। और अगर मैं इसका नॉर्मल बताऊँ लॉन्जिटिविटी, तो ये आराम से 4-5 घंटे ऑन स्किन रहती है। अगर कपड़े पे लगाओगे तो 5-6 घंटे हो जाएगा, उससे ज़्यादा का यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज यू नो वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम्स। इससे ज़्यादा ये लोग नहीं दे पाते हैं। ठीक है, अगर आपको इससे और ज़्यादा परफ्यूम से परफॉर्मेंस की, तो एक हैक है कि मतलब आप जो नेक्स्ट डे कपड़ा पहनने वाले हो ना, उसमें रात से ही इसके स्प्रेज लगा के रख दो और उससे सूखने दो, तो उससे ये हो जाता है कि आपके क्लोथ से उसकी महक मतलब थोड़ा ज़्यादा देर तक चलेगी। तो ऐसा ये ब्रांड से रेकमेंड करते, अगर आपको करना रहे तो आप ट्राई कर सकते हो। बाद में बोलूँ कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस ट्रेल बनती है, तो उतना कुछ ऐसा खास फ्रेग्रेंस ट्रेल नहीं बनती, बट स्टार्टिंग के आर्स में प्रोजेक्शन अच्छा है, डिसेंट लेवल का प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग के 1 hour में।
बात करूं कि ये किस टाइप की फ्रेग्रेंस है, तो मैं कहूंगा ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है। ऐसा नहीं कि समर टाइम पे आपको पहनना चाहिए, विंटर में पहनना चाहिए, ये बहुत ज्यादा माइल्ड फ्रेग्रेंस है। तो आप साल के कोई भी महीने पहनो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप मॉर्निंग को भी लगा सकते हो, इवनिंग को भी लगा सकते हो, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि कुछ कुछ फ्रेग्रेंस मॉर्निंग में ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ कुछ ऐसा पार्टी फ्रेग्रेंस रहती। ये ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप की है, ठीक है? तो परफ्यूम का ऑलराउंडर है, बट एट द सेम टाइम में बहुत ही ज्यादा काम और माइल्ड है, ठीक है? और बात करूँ कौन से टारगेट एज ग्रुप के लिए, तो आई वुड रिकमेंड कि ये थोड़ा मैच्योर लोग के लिए ज्यादा बेटर सूटेबल रहेगी। आई थिंक सो 26-27 प्लस मेंस के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है। और ये मैनली परफ्यूम है, मैनली फ्रेग्रेंस है, ठीक है? यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस नहीं है। बाकी मैन कंपनी की बहुत बड़ी रेंज है परफ्यूम्स की। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई स्पेसिफिक फेवरेट परफ्यूम है जो मुझे ट्राई करना चाहिए या तो रिव्यू करना चाहिए, अगर मेरे पास ऑलरेडी रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप बताइएगा अगर आपने मैन कंपनी के परफ्यूम यूज़ किए तो आपका कैसा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। एंड हमारे चैनल पे हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के परफ्यूम्स के रिव्यू किए हुए और बहुत सारे नए आने वाले भी है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। That's it for this video. This is Ankit signing off. Thank you so much for watching.